सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग की घटना के बाद भी असामाजिक तत्व बाज नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बुक की गई एक कैब गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचने से हड़कंप मच गया। इस बारे में जानकारी मिलते ही वहां के वॉचमैन ने फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कैब चालक को हिरासत में लेकर बुकिंग कराने वाली जानकारी निकाली और फिर उसे यूपी से गिरफ्तार कर लिया गया। इस वारदात ने मुंबई पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। मुंबई पुलिस अब अलर्ट पर है। हालांकि पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कैब बुक करने वाले छात्र को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक छात्र ने बताया जा रहा है और ये गिरफ्तारी मुंबई पुलिस ने गाजियाबाद से की है। आरोपी की उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। दरअसल आरोपी युवक ने ऐप के जरिए अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से बांद्रा पुलिस स्टेशन तक जाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ओला कैब बुक की थी। जब ओला ड्राइवर कार लेकर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचा और वहां के वॉचमैन को बुकिंग के बारे में पूछा तो वॉचमैन सकते में आ गया और उसने फौरन इसकी जानकारी बांद्रा पुलिस को दी। पुलिस भी ये बात जानकर हैरान थी, लिहाजा पुलिस की टीम फौरन गैलेक्सी पहुंची और मुंबई की बांद्रा पुलिस ने ओला कैब के ड्राइवर से पूछताछ की। फिर उससे ऑनलाइन बुकिंग करने वाले शख्स की जानकारी ली गई तो पता चला कि ओला कैब बुक करने वाला शख्स मुंबई का नहीं बल्कि यूपी के गाजियाबाद जिले का निकला, जिसके पहचान 20 साल के रोहित त्यागी के तौर पर हुई। उसकी उम्र 20 साल है और वो पढ़ाई करता है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने सिर्फ मौज मस्ती के लिए ये हरकत की थी, लेकिन ये मजाक उसको बहुत भारी पड़ गया और अब पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। बांद्रा पुलिस ने आरोपी रोहित त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गाजियाबाद से गिरफ्तार किया और फिर उसे मुंबई लाया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर बांद्रा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को बाइक सवार 2 शूटर्स ने करीब सुबह 4:52 पर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर चलती बाइक से फायरिंग की थी। आरोपियों ने लगातार 5 राउंड फायरिंग की थी जिसमें से 3 गोली मिस हो गई थी, लेकिन 1 गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी थी, जबकि 1 गोली वहां लगे झरोखे के पर्दे को भेदती हुई सलमान के घर के अंदर ड्राइंग रूम की दीवार पर जाकर लगी थी। वो तो शुक्र है कि सुबह का वक्त था और पूरा खान परिवार सो रहा था, वरना अगर कोई बालकनी में होता तो सोचिए क्या होता। ये पहला मौका था जब गोली गैलेक्सी के अंदर तक पहुंची थी।